नमस्कार सभी को। मैं प्रदीप शर्मा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल न्यू लाइट अगेन। देखिए जो आज का सेशन है बिल्कुल नया सेशन रहेगा। आज हम जो रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं वो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपर के एग्जाम जो है उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज हमारा दिल्ली पुलिस का जो प्रीवियस एग्जाम का है वो फर्स्ट सेट हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी से क्वेश्चन आ रखे हैं, सारे पेपर मैंने एनालाइज किए थे। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे लगा दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जो एनालॉजी से देखो क्या कह रहा है, दरवाजा लकड़ी और सर। तो यहाँ देखेंगे दरवाजा लकड़ी, तो आपको पता है कि जो दरवाजा वो किससे बनता है, लकड़ी से, वुड से बनता है। उसी प्रकार शर्ट, शर्ट किससे बनती है, कपड़े से। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या रहेगा, कपड़े। बट ऑप्शन में देखेंगे यहाँ थोड़ी सी एरर हो रही है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ लिखा है उसने कोट्स, बट ध्यान रखिए ये एरर होगी टाइपिंग में, तो हम यहाँ जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या रहेगा, क्लोथ। ठीक है, हिंदी में कहेंगे कपड़े और अंग्रेजी में आंसर रहेगा क्या, कल। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी हमारा एनालॉजी से है। मैं बार बार हमेशा यही बात बताता हूँ, जब दिल्ली पुलिस की बात आती है तो एनालॉजी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हमारे पास एक वर्ड दे रखा है ब्लिंक, ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है आई जी ई आई, ठीक है। ध्यान से देखें, ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी लेटर्स का क्वेश्चन आता है एनालॉजी में हो या कोडिंग डिकोडिंग में हो, उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर पोजीशन डालते हैं। हमने बी रखा दो पे, ठीक है, ये 12 पे, ये आपका 9 पे, ये 14 पे, और ये 11, ये आपका 9 पे, ये 7 पे, ये आपका 16 पे, ये 9 पे, और ये 18। अब ध्यान देखिए नंबर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। आपने देखा यहाँ 11 था, यहाँ 9 हुआ, क्या हुआ, -2। यहाँ कितना था, 14 था, यहाँ 7 हुआ, -7 हुआ। यहाँ 9 है, यहाँ कितना है, 16 है, यानी कितना हुआ, यहाँ +7 हो रहा है। यानी अगर पीछे से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो थोड़ी सी गड़बड़ बन रही है। तो आप देखिए क्वेश्चन आगे से भी सोल्व हो सकता है, क्वेश्चन पीछे की साइड से भी सोल्व हो। तो हम आगे से सोल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ है 2, यहाँ 9, कितना हुआ +7। यहाँ कितना है 12, यहाँ कितना है 7, -5। यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, +7। यहाँ 14 है, यहाँ 9 है, -5। यहाँ 11 है, यहाँ 18 है, यानी +7। मीन्स हमारा जो लॉजिक हुआ वो क्या बन रहा है, +7 -5 +7 -5 +7। तो यहाँ सबसे पहले +7 करेंगे, पी 16 पे आता है, +7 करेंगे कितना, 23, 23 पे हमारा W आ जाएगा। अब -5 करेंगे, I 9 पे आता है, -5 करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 4 और 4 पे D। +7 करेंगे, N 14 पे, 7 जोड़ेंगे 21, 21 पे क्या आ जाएगा, U। अब क्या करेंगे, -5। अब देखो सी में -5 करना है, पर जब -5 करेंगे तो सी की पोजीशन क्या होती है, 26 पे आपका जेड होता है, 27 28 29 27 पे आपका ए, 28 पे बी, और 29 पे आपका आता है सी। तो मैं 29 लिख सकता हूँ सी, तो इसमें से -5 करेंगे क्या आएगा, 24, और 24 पे आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और लास्ट में आपका क्या रहेगा, +7। क्लियर है, लास्ट में क्या रहेगा आपका, +7। तो x है 24 पे आता है, +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 31, और 31 पे आपका क्या आता है भाई, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, हमने सबसे पहले किया +7 -5, +7 हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए। हाँ लास्ट में दे रखे आपको h, तो ये h आपका 8 पे आता है, तो +7 करेंगे तो क्या आएगा, 15, और 15 पे आपका क्या आता है, ओ। मींस हमारा जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, W D U X O, जैसा कि आपको
ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा। तो चलिए रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी हमारा एनालॉजी से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने अभी तक सॉल्व कर दिया होगा। देखते हैं, कह रहा है 464 यहां दे रखा है, 6 आपको बताना है यहां क्या है। तो आप ये देखिए कि 4 का 64 कैसे बन सकता है। आपके माइंड में बात आई होगी कि 4 का क्यूब है 64, ठीक है, 4 का क्यूब। अगर 4 का क्यूब 64 है तो यही लॉजिक हम यहां लगाएंगे, तो 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 × 6 × 6 216, कितना आ जाएगा 216। ऑप्शन में जो आपका आंसर है वो क्या रहेगा, सी रहेगा, 216 आंसर इज करेक्ट। क्लियर है, यहां 4 का क्यूब 64 है, यहां 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 260। देखिए अभी तक तीन क्वेश्चन आपके एनालॉजी के पूछे जा चुके हैं, फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन आपका ओड मैन आउट्स, यानी विजातीय छाटना, या मैं कहूं कि अलग छाट। स्पष्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कार, सेकंड ऑप्शन दे रखा है साइकिल, थर्ड ऑप्शन दे रखा है ट्रक और चौथा ऑप्शन है रोड। तो इसमें हमें सबसे अलग निकाल, तो देखिए कार साइकिल ट्रक ये तीनों क्या हो गए, साधन हो गए, या मैं कहूं व्हीकल हो, बट सड़क बिल्कुल क्या होगी, सबसे अलग, क्योंकि तीनों साधन किस पे चलते हैं, रोड। बात समझ में आई, कार ट्रक साइकिल तीनों व्हीकल है, हमारा जो सबसे आंसर अलग होगा वो क्या रहेगा, रोड, यानी डी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपका ऑड मैन आउट से। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एफ के क्यूब एक्स, ठीक है, एफ हमारा कितने पे आता है, 6 पे आता है, के हमारा आता है 11, एफ कितने पे आता है, 6 पे, के आता है आपका 11 पे, क्यू आता है आपका 17 पे, उसके बाद एक्स आता है आपका 24। तब यहां देखिए मैं अंतर देखता हूं, प्लस कितना हुआ 5, यहां कितना हुआ प्लस 6, यहां कितना हुआ प्लस 7, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे यहां सी एक्स एन यू, सी 3 पे आता है, एच 8 पे, प्लस 5, एच कितने पे आता है आपका 8 पे, एन 14 पे, प्लस 6, यू कितने पे 21 पे आता है, यानी प्लस 7। आपको यहां दो ऑप्शन से पता लग रहा है कि हमारा जो लॉजिक बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं जे ओ यू सी, जे हमारा 10 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, यू 21 पे आता है और सी कितने पे, 3 पे। क्लियर, तो ध्यान से देखो हमारा जो लॉजिक बना वो क्या बना है, प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। तो इसमें देखते हैं, देखो 10 से 15 हुआ प्लस 5 लॉजिक बन गया, 15 से 21 हुआ प्लस 6 बिल्कुल बन गया, अब कितना होना चाहिए प्लस 7, तो 21 में अगर मैं 7 ऐड करूं तो कितना आएगा 28, कितना आएगा 28। अब 28 पे आपका कौन सा अक्षर आता है, 28 पे देखो 27 पे आपका ए आता है, 28 पे आपका क्या आता है बी आता है, तो यहां जो है सी की जगह क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था, इसलिए जो हमारा सबसे अलग रहेगा वो कौन सा रहेगा, सी, ठीक है, सी जे करेक्ट आंसर। एक बार फिर से बता देता हूं, ए बी और डी ऑप्शन में जो लॉजिक है वो प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 का है, बट वो रूल आपका थर्ड ऑप्शन में फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए जो सबसे अलग आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी जे और यू सी। क्लियर है, चलिए रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो भी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, ये भी आपका ओड मैन आउट का है, विजातीय छाटना। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम संख्या को चुनिए, तो
जो विषम कह सकता है, विजातीय कह सकता है, भिन्न कह सकता है, या कहेगा अलग छाट। तो यहां देखिए पहले ऑप्शन में है 14 56, तो आप ये देखिए 14 का 56 कैसे बन सकता है। अगर मैं 14 को 4 से गुणा करूं तो कितना आएगा, 56 आएगा, यानी 14 × 4 56 हो जाएगा। बी ऑप्शन दे रखा है 48 12 12 48, तो आप देखो 12 48 में क्या हो रहा है, 12 × 4 48। सी ऑप्शन में है 8 32, 8 का 32 कैसे बनेगा, 8 × 4। ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो दे रखा है 6 30, तो 6 का 30 कैसे बन रहा है, 5। अब लॉजिक आपको समझ में आएगा कि पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन में जो गुणा आ रहा है वो सभी को किससे गुणा हो रहा है, 6 से गुणा 4 से गुणा हो रहा है। 14 चौक 56 12 चौक 48 8 चौक 32 6 5 30, तो ये हमारा जो है आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों में गुणा है 4 से, लेकर डी ऑप्शन में गुणा किससे कर रखा है, 5 से, इसलिए जो सबसे अलग होगा वो क्या रहेगा, 6 30, यानी डी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। अब सेक्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, हम जो ये प्रीवियस पेपर का सेट कर रहे हैं डे बाय डे रीजनिंग का, डेली आपका जो पोर्शन होगा, जीके का भी होगा, तो मैं रीजनिंग की बात करूं तो हम फिलहाल वर्बल रीजनिंग पे फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग मैं नहीं चाहता कि आपको सिर्फ ऊपर से बताई जाए, इसलिए नॉन वर्बल रीजनिंग के सारे चैप्टर मैं अलग से आपको करवाना चाहता हूं। तो फिलहाल आप अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है विकल्प में से विषम संख्या को चुनिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 53 42 16। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाता है जब आपको पहले तो दे रखी है संख्या ज्यादा, बाद में संख्या दे रखी है कम, तो ये रूल कौन सा फॉलो करता है, 100 क्वेश्चन में आपका ऐड का रूल फॉलो करेगा। हम ऐड करके देखते हैं, तो देखो 5 और 3 8 8 और 4 12 2 14, यानी 53 42, इन सभी का मैं ऐड करूं तो कितना हो रहा है, 14। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है 4 6 2 9 4 6 2 9, मैं ऐड करता हूं सभी का तो इनका ऐड हो रहा है हमारे पास 21, 1965 दे रखा है, इनका मैं अगर ऐड करके देखूं तो कितना हो रहा है, 21। थर्ड ऑप्शन है आपका 53 44, अगर मैं इनका ऐड करूं तो कितना आ रहा है, 16, ऐड कितना आ रहा है, 16, सॉरी इसका ऐड आपका जो है 16 है। आप यहां देखें और सेकंड का ऊपर देखें, इसमें लिखा 16, फर्स्ट ऑप्शन में देखें 5 और 3 8 और 4 12 2 14, लेकिन यहां सभी का ऐड दे रखा है बिल्कुल सामने, देखिए 40 29 का ऐड 21 होगा, उसने भी 21 दिया है, 1965 का ऐड 21 होगा, उसने भी 21 दिया है, 53 44 का ऐड 16 होगा, उसने भी 16 दिया है, बट फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 53 42, इसका ऐड कितना होना चाहिए, 5 और 3 8 8 और 4 12 2 14, बट उसने क्या दे रखा है, 16, यानी यहां 16 की जगह क्या आना चाहिए था, 14 आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमारा जो सबसे अलग नंबर होगा वो ए होगा, हमारा जो आंसर जाएगा वो किस पे जाएगा, ए पे जाएगा, 53 42 16 इज ए करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर देखिए, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फिगर में बना देता हूं, कुछ इस प्रकार से एक आकृति दे रखी है, कह रहे कि दी गई आकृति में कुल कितने ट्रायंगल हैं, कुल कितने त्रिभुज, हाउ मैनी ट्रायंगल इन द गिवन फिगर,
कह रहा है दी गई आकृति में कुल कितनी त्रिभुज है, तो आप काउंट कर सकते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, छोटा सा क्वेश्चन है, मान के चलिए मैं इसको यहां से ऐसे करता हूं, तो आप इस साइड त्रिभुज काउंट करेंगे कितनी आएगी, एक दो, और एक त्रिभुज आपकी रहेगी, तो तीन त्रिभुज आपको इस साइड यानी हमारे लेफ्ट साइड आपको कितनी ट्राइंगल मिल रही है, तीन। अब आप देखो फोर का सेकंड साइड जो है कितनी ट्राइंगल मिल, तो सेकंड साइड आपको ये वाली ट्राइंगल समझ दिखाई दे रही, तो तीन और एक चार, और एक बार ये वाली ट्राइंगल आपको समझ दिखाई दे रही है, तो कितना हो गया आपका आंसर फाइव। तीन ट्राइंगल आपकी ये हो गई, एक दो और तीन, चौथी ट्राइंगल आपकी ये हो जाएगी, पांचवी ट्राइंगल ये हो जाएगी, तो हमारा जो आंसर आएगा कि भाई जो आकृति दे रखी है उसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, पांच, यानी जो आपका आंसर जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो बी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं ना, तो कुल आपके 32 क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इन्हीं 32 क्वेश्चंस को आप ध्यान से कर लीजिए, जब आपको टॉपिक करवाया जाएगा तो इन 32 क्वेश्चन पे फोकस कराया जाएगा, ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली पुलिस की मैं बात कर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है काउंटिंग ऑफ फिगर का, कह रहा है दी गई आकृति में कुल कितनी आयत है, दी गई आकृति में कुल कितनी आयत, यानी हमें इस फिगर में रेक्टेंगल बताना है, हाउ मेनी रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। तो ध्यान से देखिए, इससे पहले भी मैंने शायद इससे पहले वाली क्लास में मैंने एक बार काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन करवाया था, तो यहां देखो मान लीजिए आप पहले ऊपर वाली सरफेस में गिन लीजिए कितनी आयत, तो आपको दिख रहा होगा एक आयत आपकी ये होगी, दो ये होगी, तीन ये होगी, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट काउंट करूं तो आप ठीक से कैसे करते हैं, वन टू थ्री, इन सभी का एड, तो एक और दो तीन, तीन और तीन छह हो गए। अब छह रेक्टेंगल तो आपकी यहां हो गई, सीधी सी बात, ठीक है। अब नीचे काउंट करेंगे एक दो, तो एक और दो तीन, तो कितनी हो गई, तीन रेक्टेंगल यहां हो, तो छह रेक्टेंगल ये हो गई, तीन रेक्टेंगल ये हो गई, रेक्टेंगल हुई हमारी नौ, और एक आपको जो कंप्लीट बाहर रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा, यानी इसमें कुल जो आयत है वो कितनी है, दस। कुल जो आयत है, कुल रेक्टेंगल है वो कितनी है, दस, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, डी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पर एक बात और, अगर ज्यादातर मैं बात करूं काउंटिंग ऑफ फिगर, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है चांसेस रहता है 99% या तो ट्राइंगल का आपका क्वेश्चन आता है, या फिर जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है रेक्टेंगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पासेस है, डाइस चैप्टर का, एक ओपन डाइस दे रखी है, कह रहे हैं दिए गए आकृति में, यहां आंकड़े लिख रखे हैं, आकृति आना था कोई बात नहीं है, मैं आपको साथ के साथ जहां एरर होगी मैं क्लियर कर दूं। कह रहा है दी गई आकृति में जेड वाले चेहरे के विपरीत क्या आएगा, तो हमें बताना है जेड के विपरीत क्या है, तो हमारे एक बार छोटी सी एक बार आकृति बना देता हूं, यहां दे रखा आपका जेड, यहां है टी एस आर, और यहां है आपका पी, उसके बाद आपका दे रखा है यहां एन। देखिए जेड के विपरीत बताना, आपने पढ़ा होगा कि जब कोई ओपन डाइस दी जाती है तो उसमें एक छोड़ एक क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत, लेकिन शर्त है कि वो बैंड नहीं होने चाहिए, या मैं कहूं एक छोड़ एक विपरीत होना चाहिए, लेकिन शर्त है वो एक सीधी लाइन में होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मैं कहूं कि जेड का विपरीत एस है, बिल्कुल गलत हो, क्योंकि हमने टी छोड़ दिया, बात ये तो सही है, बट ध्यान से देखो ये एक सीधी लाइन में तो नहीं बना ना, तो रूल होता है एक सीधी लाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो एम का जो विपरीत होगा वो हमारा एस होगा, टी का विपरीत होगा वो हमारा आर होगा, बचा क्या हमारा जेड, और जेड का विपरीत क्या आ जाएगा, हमारा के आ जाएगा, जेड का विपरीत क्या आ जाएगा,
ठीक है, या आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि के का विपरीत क्या होगा। बात वही है, जो जेड के का विपरीत है तो के का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड। बात समझ में आई? देखिए डाइस आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं तो डाइस का एक स्पेशल क्वेश्चन आता है जो कि कई बार आपको बुक्स में भी नहीं दिया है। जब कभी भी आपको टॉपिक करवाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको जरूर लगाए जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक चीज और, कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी, आपको पता है दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो 27 नवंबर से स्टार्ट है। और हमारा जो एम रहेगा, हमारा जो मोटो है वो आपकी सक्सेस। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, टाइम से स्टडी करते हैं, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इस चीज की श्योर है, हम गारंटी देते हैं, बट उसमें आपका भी साथ चाहिए। ये नहीं कि सारे टीचर्स बोर्ड पे मेहनत करवा रहे हैं, आप घर पे पढ़ते नहीं है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जितनी मेहनत हम करते हैं उससे 3 गुना मेहनत आप खुद करेंगे सेल्फ स्टडी के साथ। बाकी जो कोई डाउट रहेगी, हम सभी टीचर्स यहाँ पे तत्पर है आपकी डाउट्स सॉल्व कराने के लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि दी गई आकृति है आपके पास, उसका मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो दर्पण प्रतिबिंब मैंने कहा था जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है ऊपर एक वर्ड लिख रखा है, ठीक है, जो वर्ड है वो क्या लिख रखा है, ठीक है, जो वर्ड दे रखा है वो क्या लिख रखा है, टी। गलत हो जाएगा ये। मोस्ट में अगर मैं बात करूं तो
एस नहीं दे रखा शब्द में, यार्ड में अगर मैं बात करूं तो डी नहीं दे रखा है, लेकिन टोनर के सारे अक्षर पहले शब्द में निहित है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। तो हम ध्यान करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल वेन डायग्राम, सोना कार्बन और धातु, सोना कार्बन और धातु, तो यहां डायग्राम बनाना है। तो देखो सोना जिसे हम गोल्ड कहते हैं, सोना क्या है? धातु है, ठीक है। सोना क्या है भाई? धातु है। सोना गोल्ड, सोना क्या है? धातु। या मैं कह सकता हूं अंग्रेजी वालों के लिए क्या वर्ड यूज होगा? मेटल। सोना एक धातु है, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन इसमें दे रखा है कार्बन। कार्बन बिल्कुल आपका हो जाएगा अलग, कार्बन हो जाएगा अलग। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा चला जाएगा? डी इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि कार्बन एक यौगिक है, ठीक है, कंपाउंड है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखेंगे, आपको दे रखा है फर्स्ट में 7, 8, 4 और 18, आपको बताना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या है। तो मैं पहले यही रो सोल्व कर दू। देखिए अगर मैं 7 और 4 का गुणा करूं तो कितना आ रहा है भाई? 7 चौक 28, 8 करूंगा 36, यानी बात नहीं बढ़ेगी। ऐड करके मैं देखता हूं 7 और 4 का ऐड कितना हुआ? 11, और यहां दे रखा है 88। तो आपको अंदाजा लगा होगा कि इस 11 का 8 का गुणा कितना होता है? 88। सेकंड में अगर आप देखेंगे दे रखा है 5, 11, 6, 121, ठीक है। तो 5 और 6 का अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना होगा? 11, और इस 11 से मैं गुणा करूंगा कितना आएगा? 121। तो लॉजिक हमें पता चल गया, पहले और तीसरे नंबर का ऐड और उसका गुणा बीच वाले नंबर से कर दिया। तो यहां भी हम करेंगे, पहले नंबर यहां क्या दे रखा है? 9, थर्ड नंबर दे रखा है 3, तो 9 और 3 का जोड़ हम करेंगे तो कितना आएगा? 12। यहां दे रखा है 973, पहले और तीसरे नंबर का ऐड। तो बताइए पहले और तीसरे नंबर का ऐड कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 और 3 कितना? 12, और गुणा किसके साथ कर रखा है? बीच वाले नंबर के साथ, तो 12 7 84, ठीक है। आंसर विल बी 84, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट अक्सर बोलते हैं कि इस चैप्टर में डाउट होती है, जब भी आपको टॉपिक करवाया जाएगा तो हमारा ये सिलोब्स का चैप्टर बहुत ही आसान मेथड से कराया जाएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, कुछ कंक्लूजन दे रखे हैं, तो स्टेटमेंट को पढ़कर हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास दे रखा है, कह रहा है कुछ आकृतियां छोटे हैं, ठीक है, कुछ आकृतियां छोटे हैं। तो मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाऊ, कह रहा है कुछ आकृतियां छोटे हैं, तो आकृति कुछ की बात कर रहे हैं तो डायग्राम आप बनेगा, कह रहा है छोटे। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट पढ़ता हूं, कह रहा है कोई भी छोटी लाल नहीं, कह रहा है कोई भी छोटी लाल नहीं, तो मैंने यहां बना दिया, क्योंकि उसने कहा है कोई भी छोटी लाल नहीं है। बट एक बात बताइए, उसने आकृति छोटी का जिक्र किया है, उसने छोटी और लाल का जिक्र किया है। तो बात अगर आ जाए आकृति और लाल की, तो मैं डायग्राम ये भी तो बना सकता हूं ना, आकृति कुछ आकृति छोटी है, ठीक है। आप कह रहा है कोई छोटी लाल नहीं है, तो मैं लाल को यहां ऐसे भी तो कर सकता हूं, ठीक है। तो डायग्राम आ या मैं ये भी बन सकता, लेकिन आंसर कैसे दिया जाता है वो देखो। हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है, फर्स्ट निष्कर्ष है, वो क्या कह रहा है? सभी छोटे आकृतियां,
सभी छोटी आकृति। अब इस डायग्राम में देखो क्या सभी छोटी आकृति है? नहीं, यहां कुछ छोटी आकृति। तो पहले वाला निष्कर्ष आपका क्या रहेगा? गलत। सेकंड निष्कर्ष क्या दे रखा है? कह रहा है कुछ लाल छोटी है। कह रहा है कुछ लाल छोटी। क्या कुछ लाल छोटी है यहां पर? नहीं है, बिल्कुल मना कर रहा है। तो हमारा जो दूसरा निष्कर्ष है वो भी क्या रहेगा? गलत। यानी हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष गलत होंगे, या मैं कहूं ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। यानी यहां हमारा आंसर होगा डी इज ए करेक्ट आंसर। डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पहले स्टेटमेंट दे रखी है। कह रहा है कुछ पेन गोल होते हैं, सम पेन्स आर राउंड, कुछ पेन गोल होते हैं। कह रहा है कुछ का जिक्र कर रहा है तो ये आ जाएगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या कहेंगे? सम पेन्स आर राउंड। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सभी गोल काले। कह रहा है सभी गोल काले हैं, सभी गोल काले। इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या आ जाएगा? ऑल राउंड आर ब्लैक, ऑल राउंड आर ब्लैक। अब बात करते हैं निष्कर्ष कॉन्क्लूजन पे। तो स्क्रीन पे देखिए आपका पहला निष्कर्ष क्या है? कह रहा है सभी काले पेन, सभी काले पेन। देखो यहां काले और पेन का जो डायग्राम है वो आधा कट रहा है, और आधे का मतलब होता है कुछ, लेकिन ये बात कर रहा है सभी की, इसलिए हमारा जो पहला निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा? गलत। पर्सन नाइन। स्क्रीन पे देखेंगे आपका दूसरा कंक्लूजन, दूसरा निष्कर्ष क्या है? कह रहा है कुछ गोल काले हो। कह रहा है कुछ गोल काले। अब ध्यान से देखिए, गोल जो है वो तो सारे काले हैं, और जब सारे काले हैं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ गोल काले सारे हैं, तो मैं कुछ गोल काले हैं अगर ये बात कहूं तो भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो यानी हमारा जो दूसरा निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही होगा। दूसरा निष्कर्ष वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। स्क्रीन पे हम थर्ड कंक्लूजन की तरफ ध्यान देते हैं। कह रहा है सभी गोल पेन, सभी गोल पेन। यहां तो देखो पेन और गोल का सर्कल आधा कट रहा है। अगर सभी की बात करता तो सर्कल पूरा जाता ऊपर, ठीक है। यहां गोल और पेन में सर्कल कट रहा है आधा, और वो बात कर रहा है सभी की, तो सभी गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां कुछ का रिलेट है गोल और पेन में, वो बात कर रहा है सभी की, ठीक है। यानी कह क्या रहा है? सभी का एड दे रखा है 47। तो हम देखते हैं सटेर का एड क्या 67 होता है, देख लेते हैं। एस 19 पे है, टी 20 पे, यानी 19 और 20 39 हो गया। ए आपका एक होता है यानी 40, फिर 9 हो गया 49, फिर 18 हो गया 9 8 17 यानी 67। बिल्कुल सही है। स्टेयर का एड भी कितना? 67। लास्ट आपका दे रखा है रस्ट, आर यू एस टी। तो हम क्या करेंगे? इन सभी का एड, एड की बात आती है आर 18 पे, यू 21 पे, एस 19 पे, ये 20 पे। अगर मैं इन सभी का एड करूंगा तो देखो 21 और 19 40 और 18 58 और 20 78, यू विल गेट 78। तो आंसर विल बी 78। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊं। देखिए कभी भी जब लेटर्स का क्वेश्चन आता है, वो आपका एनालॉजी टॉपिक का हो, कोडिंग डिकोडिंग का हो, नंबर से हम वो क्वेश्चन सॉल्व करें। एक वर्ड दे रखा है साइंस, एस सी आई ई एन, ठीक है। साइंस को लिखा जाता है वी, यहां लिख देता हूं थोड़ा भाई। साइंस को लिखा जाता है वी जेड एल बी क्यू जेड एच। तो हमें पूछा है फर्स्ट टर्म को क्या लिखेगा? फर्स्ट टर्म एफ आर यू एस टी ओ एम, फर्स्ट। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले नंबर डालें। अगर नंबर डालू तो आपको क्या, ये एस 19 पे, सी 3 पे, आई 9 पे, 5 पे, 14 पे और 3 पे और 5। तो आप यहां देखो एस है, एस का उसने बनाया वी,
बी कितने पे आता है आपका 22 पे, तो क्या हुआ 19 प्लस 3 भाई 22 है तो प्लस 3 ही तो होगा। उसके बाद आपका है सी, यहां दे रखा है जेड, तो आपको लग रहा है बहुत ज्यादा प्लस हो रहा है, आप एक बार इसको छोड़ दीजिए अगले क्वेश्चन पे काम करिए। अगले लेटर पे काम करता है, ये 9 पे है ये 12 पे है, हमें पता चला प्लस 3 यानी एक हमने छोड़ दी, यहाँ एक छोड़ेंगे ये कितना है 14 है, ये कितना है 17 यानी प्लस 3, ये कितना है 5 है प्लस 3 करेंगे 8, बिल्कुल एच हमारा 8 पे आता है। तो लॉजिक क्या है ध्यान से देखो, एक छोड़े पहले में प्लस 3, फिर उसके बाद एक छोड़ दिया फिर प्लस 3, फिर एक छोड़ दिया प्लस 3, फिर एक छोड़ दिया प्लस 3। अब देखते हैं इन अक्षरों में क्या लॉजिक। अब यहां एक बात ध्यान रखेंगे कि ये है 3, सी कितने पे आपका 3 पे, जेड कितने पे 26 पे, अंतर कितना हो रहा है आपका 23, अंतर कितना हो रहा है 23। तो विद्यार्थियों ध्यान से बात सुनेंगे, रीजनिंग में कभी भी अंतर आपका 10 से ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी अंतर 10 से ऊपर नहीं जाएगा। आप कह रहे हो कि अंतर 10 से ऊपर जा रहा है ये तो 23 का अंतर हो रहा है, तो अगर ऐसा मिल जाए तो आप क्या करेंगे उस अक्षर की दूसरी पोजीशन लिखेंगे, यानी सी 3 पे आता है, सी की दूसरी पोजीशन क्या है ए की 27, बी की 28, सी की 29, यानी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ 29। अगर यहाँ 29 है यहाँ कितना है 26, यानी लॉजिक क्या बना -3, ये 5 है ये कितना है 2, लॉजिक क्या बना -3, ये 3 है यहाँ कितना है जेड, जेड कितने पे आता है आपका 26 पे या 27 पे या मैं कहूँ 1 यानी -3। हमारा लॉजिक बना है +3 -3 +3 -3, क्लियर है। तो यहाँ हमसे पूछा गया फ्रस्टम को क्या लिखा जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ +3 -3 करेंगे, सबसे पहले +3 ये हमारा 6 पे आता है, +3 करेंगे 9 पे आपका आई आएगा, आर हमारा 18 पे आता है -3 करेंगे ओ आ जाएगा, यू 21 पे आता है +3 करेंगे 24 यानी एक्स, अब -3 होगा देखो प्लस माइनस ठीक है +3 क्या 9 हुआ -3 तो 15, 21 में +3 24 -3, एस 19 पे आता है -3 करेंगे 16 और 16 पे क्या आता है आपका पी आएगा, टी 20 पे आता है +3 करेंगे 23, 23 पे क्या आएगा आपका डब्ल्यू, ओ 15 पे आता है -3 होगा तो क्या हो जाएगा 15 - 3 = 12 यानी एल, ये 13 पे आता है +3 करेंगे 13 और 3 = 16 क्या जाएगा P। आपका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा IOXPWLP अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर विल बी बी, ठीक है आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज का जो सेशन है आपका यही खत्म होता है, हमने दिल्ली पुलिस के जो क्वेश्चन किए 24 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने क्लास का आनंद लिया होगा, आगे भी ऐसे क्लास होती रहेंगी। अब मैंने बताया था कि दिल्ली पुलिस की जब बात की जाए तो 35 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस पेपर में आते थे, आपकी बार जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने होंगे 25, तो इनमें से मैंने 11 क्वेश्चन वो छोड़ दिए हैं जो नॉन वर्बल के हैं, मैंने पहले भी बताया था नॉन वर्बल जो है हम आगे एक अलग सा टॉपिक बनाएंगे सभी का, वो बढ़िया तरीके से हम समझाएंगे, ठीक है भाई। आज का सेशन में इतना रहेगा, ठीक है तब तक आप पढ़ते रहिए, क्लास का आनंद लें, आगे जो भी आपके जीके के प्रीवियस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है साथ ही आपका जो मैथ्स का है वो भी प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाएंगे, साथ ही साथ आपका जो टॉपिक का कंटेंट है वो भी बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा, ठीक है तब तक टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास।